हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अनदर वीडियो। मैं अभिलाषा इंडियन फ्लेवर्स में आपका स्वागत करती हूँ। आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ मसाला बैंगन। तो चलिए देखते हैं कैसे बनता है। इसके लिए हमने यहाँ पे तेल गरम करने के लिए रख दिया है। हम बैंगन को डीप फ्राई करेंगे। उसके लिए हम ऐसे छोटे बैंगन लेंगे, छोटे साइज के बैंगन लेंगे। इसको मैं कट करती हूँ, बताती हूँ आपको कैसे कट करना है। हमने यहाँ पे छोटे वाले बैंगन लिए हैं, इनको हमने अच्छे से धो लिया है और धो के इसके हम टुकड़े करेंगे। हमको अलग अलग नहीं करने हैं, खाली हमको अंदर अंदर ही ऐसे बीच में से आधा करके जिसको अलग नहीं करना है, और फिर इसके एक बैंगन के हमको चार टुकड़े कर देने हैं ऐसे, और चेक कर लेना है कि अंदर कोई कीड़ा तो नहीं है। और ऐसे करके हम काट लेंगे और फिर तेल में इसको डीप फ्राई करते हैं। तो सबसे पहले हम सब काट लेते हैं और फिर डीप फ्राई करते हैं। मैं इनको काट के और अभी तेल में डाल दूंगी। अगर आप काट के 2 मिनट के लिए अगर साइड रखना चाहते हैं तो आप एक काम करें, एक बर्तन में पानी डाल लीजिए, उस पानी में 1 चम्मच नमक, उसके बाद ये ऐसे कटे हुए बैंगन को आप पानी में डाल दीजिए ताकि ये काले ना पड़े, नहीं तो बैंगन काला पड़ जाएगा। सभी बैंगनों को हमने काट लिया है। देखिए मैंने ये 1/2 किलो बैंगन लिए हैं, आप चाहे तो कितने भी ले सकते हैं। अब हम इसको डीप फ्राई करते हैं। अगर फ्रेंड्स आपने इसको पानी में डाला है काट के नमक वाले में, तो इसको ऐसे झटक के पानी सारा निकाल के फिर तेल में डालिए। अब हम डालते हैं इसको तेल में। तेल में डालते हुए आप गैस की फ्लेम को स्लो कर दें, नहीं तो जलने का डर है। सभी बैंगन को हमने इस तेल के अंदर डाल दिया है और अच्छे से बैंगन के गलने तक हम इसको डीप फ्राई करेंगे। जैसे जैसे डीप फ्राई होगा, इसका पीछे से जो मुंह है ना, जहाँ से हमने कट लगाया है, वो खुलता जाएगा और ऊपर से स्किन इसकी हार्ड हो जाएगी। इसका मतलब है ये रेडी है, नहीं तो आप चाकू से काट के भी देख सकते हैं, जैसे मैं बताती हूँ आपको आगे आगे। जब तक हमारा बैंगन फ्राई हो रहा है, तब तक हम मसाला बैंगन के लिए मसाला बना लेते हैं। उसके लिए हमने यहाँ पे मूंगफली ली है। मूंगफली को ड्राई रोस्ट करके उसकी स्किन को हमने निकाल दिया है ठंडा करके। इसको हम मिक्सी के जार में एक पेस्ट बना लेते हैं, थोड़ा सा पानी डाल के। ये मिक्सी का जार लिया है, मिक्सी के जार में हम ये मूंगफली को डाल देते हैं। और यहाँ पे मैंने 4 चम्मच तिल लिया है, इसको भी हल्का सा ड्राई रोस्ट करके ले लिया है। इसको भी हम मूंगफली के साथ ही पीस लेते हैं और इसका एक पेस्ट बना लेते हैं थोड़ा सा पानी डाल के। बैंगन को भूलते हुए 5 से 8 मिनट हो गया है। अब इसको एक बार चेक कर लेते हैं कि हमारा बैंगन गल गया है क्या। ऊपर से हम यहाँ से जो है ना, ये नाखू वाला हिस्सा, ये वाला हिस्सा यहाँ से चाकू डाल के देखते हैं, क्योंकि यहीं से थोड़ा हार्ड रह जाता है। यहाँ से तो सॉफ्ट हो जाता है, लेकिन यहाँ से थोड़ा सा हार्ड रह जाता है। तो यहाँ से हम एक बार चेक करके देखते हैं, ये हो गया है। अब इसको हम निकाल लेते हैं। इससे ज़्यादा हम फ्राई नहीं करेंगे, नहीं तो हम इसको अंदर मसाले के अंदर डालेंगे तो एकदम बिखर जाएंगे पूरे, ये जो है ना इसके फांके सब निकल जाएगी उसके अंदर ही, साबुत नहीं रहेगा ये। तो हम साबुत रखने के लिए इसको निकाल लेते हैं अभी इसी स्टेज पे। बैंगन को हमने तल के निकाल लिया है, अब इसका मसाला बनाते हैं। जिस मसाले में हम बैंगन डालेंगे, जिससे इसका नाम बनेगा मसाला बैंगन। तो देखते हैं इसका मसाला कैसे बनाते हैं। बैंगन का मसाला बनाने के लिए हमने यहाँ पे कढ़ाई रखी है और हमारा मसाला भी पिस चुका है। हमने इसके अंदर फ्रेंड्स लिया है मूंगफली और तिल। अगर आप चाहो तो इसके अंदर खसखस जो होता है उसको भी थोड़ा सा ड्राई रोस्ट कर लेना, इसके अंदर डाल लेना, और कोकोनट जो होता है ना ड्राई वाला वो भी डाल सकते हैं, और मगज जो होता है ना खरबूजे के बीज वो भी डाल सकते हैं। हमने इसके अंदर सिर्फ मूंगफली और तिल लिया है, आप चाहें तो ये सब भी डाल सकते हैं। तो चलिए बनाते हैं। कढ़ाई में हम तेल डालते हैं। अभी जो हमने बैंगन तला था ना गरम तेल, हम वही यूज कर लेते हैं। हम 2 बड़े चम्मच का यूज कर रहे हैं। तेल हमारा गरम ही था जो हमने बैंगन तले थे ना, वही वाला अब इसके अंदर हम डालते हैं। मैंने पेस्ट बनाया है जिसके अंदर हमने अदरक, लहसुन, हरी मिर्च और जीरा, इन चारों चीजों को थोड़ा सा दरदरा ऐसे कूट लिया है। आप चाहो तो इसका पेस्ट भी बना सकते हैं। मैं इसके अंदर 1 से 1.5 चम्मच ये पेस्ट डालती हूँ।
हमने ऐसे लाल मिर्च लिए हैं साबुत, ये ऑप्शनल है फ्रेंड्स, मैंने तो थोड़ा सा ऊपर गार्निश के लिए ये दो मिर्च लिए हैं, आप इसको नहीं भी ले सकते, इसको स्किप कर सकते हैं। मैं थोड़ा सा गार्निश के लिए इसको डाल रही हूँ, फिर बाद में इसको निकाल के ऊपर से गार्निश करेंगे, इसलिए ये दो लाल मिर्च सूखी वाली थोड़ा सा भून लेते हैं। और हमने लिया है कड़ी पत्ता, 2 से 3 टहनी हमने कड़ी पत्ते के लिए हैं, इसके पत्ते भी हम डाल देते हैं। ये हमारा थोड़ा सा भुन गया है, अब हम इसके अंदर मूंगफली वाला पेस्ट डालते हैं। आप चाहो तो इसके अंदर प्याज भी डाल सकते हैं, मैं यहाँ प्याज यूज नहीं कर रही हूँ, हम डायरेक्ट इसी के साथ बना रहे हैं। और भून लेते हैं इसको अच्छे से। हमको ये मसाला ज़्यादा भूनने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमने जो मूंगफली और जो तेल लिया था ना, वो हमने पहले ही ड्राई रोस्ट कर रखा है, वो कच्चा नहीं था, तो ज़्यादा ना भूने। अब इसके अंदर हम डालते हैं मसाले। मसाले के लिए हमने लिया है लाल मिर्च पाउडर, हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर और नमक। भून लेते हैं इसको अच्छे से, मिला लेते हैं मसाले को। जो मिक्सी था ना, उसमें हमने थोड़ा सा पानी डाल के ऐसे मिला लिया है, वो भी इसके अंदर डाल देते हैं। और एक उबाल आने तक इसको पका लेते हैं। मसाला हमने इसके अंदर मिला दिया है, अब इसके अंदर हम डालते हैं इमली का पानी। इमली को हमने शुरू में ही पानी में भिगो के रख लिया था, अब इसका हम पानी इसमें डालते हैं। अब थिकनेस आप अपने हिसाब से रख सकते हैं यहाँ पे, मैं थोड़ा सा पानी और डाल रही हूँ इसके अंदर। इसके अंदर मैं डाल रही हूँ 4 हरी मिर्च, जिसको मैं बीच में से ऐसे स्लिट कर दूंगी, ऐसे मिर्च लेके इसमें से ऐसे बस एक ऐसे चीरा लगा देते हैं और ये डाल देते हैं। अब हम इसको उबालना है जब तक तेल ऊपर ना आ जाए। थोड़ा सा कटा हुआ हरा धनिया ऊपर से भी कर डालेंगे, अभी भी डालते हैं थोड़ा सा, क्योंकि अभी डालने से इसके अंदर खुशबू बहुत अच्छी आएगी। उबाल इसके अंदर आ गया है और तेल भी इसके अंदर आ गया, देखिए दिख रहा है आपको तेल। अब हम इसके अंदर बैंगन डालते हैं, जो हमने तल के रखा था, बैंगन डाल देते हैं इसके अंदर, अच्छे से मिला लेते हैं। मीडियम फ्लेम पे 5 मिनट के लिए ढक्कन लगा देते हैं। 5 मिनट हो गया है, अब हम चेक करते हैं हमारा बैंगन रेडी है या नहीं। वाओ, देखिए फ्रेंड्स तेल कितने अच्छे से ऊपर आ गया है, इसका मतलब हमारा बैंगन रेडी है और बहुत अच्छी खुशबू आ रही है फ्रेंड्स। जो हमने इमली का पानी डाला है और जो मूंगफली का है ना फ्रेंड्स, जो पेस्ट डाला है, उससे बहुत अच्छी खुशबू आती है। देखिए फ्रेंड कितना अच्छा लग रहा है, देखिए है ना, बहुत टेस्टी दिखने में ही। देखिए बैंगन हमारा रेडी है, गैस को हम बंद कर देते हैं और इसकी प्लेटिंग कर लेते हैं। प्लेट में हमने डाल दिया है, अब इसके अंदर हम थोड़ा सा गार्निश के लिए हरा धनिया डालते हैं। देखिए फ्रेंड्स रेडी है हमारा मसाला बैंगन और ये बहुत टेस्टी बनता है फ्रेंड्स, इसको सच में एक बार बना के जरूर देखें। और इसको आप पूरी से, चपाती से या फिर इसको राइस से, हैदराबाद में इसको राइस से खाते हैं और इसके साथ फ्रेंड्स खाया जाता है बघारा राइस। अगर आपको बघारा राइस की भी रेसिपी चाहिए तो मुझे कमेंट करके जरूर बताइए, मैं आपके लिए जरूर लेके आऊँगी बघारा राइस।
तो अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।